हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज यहां पर मैं आपको टीम देने वाला हूं प्ले स्पॉट की, और मैच होने वाला है यहां पर मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। तो गाइज यहां पर बात करेंगे टीम की, उससे पहले बात कर लेते हैं यहां पर पॉइंट सिस्टम की। तो पॉइंट सिस्टम यहां पर टोटली चेंज हो चुका है, तो देख लेते क्या पॉइंट सिस्टम में चेंजेस हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहले यहां पर एक रन का एक पॉइंट मिलता था, तो अभी भी मिलते हैं। वहीं बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में यहाँ पर 10 पॉइंट के लगभग मिलते थे एक विकेट के, बट यहाँ पर अब 20 पॉइंट इन्होंने कर दिए हैं, तो लगभग डबल इन्होंने कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमी के भी पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, 25 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास। और अगर आप जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स को लें, तो मेरे हिसाब से 7.49 के बाहर तो उनकी इकोनॉमी जानी नहीं है, और 4.99 के अंदर भी हो सकती है। तो ऐसे में उनको 15 से 20 पॉइंट तो मिलना तय है। इसके अलावा वो एक से दो विकेट भी निकाल लें मिनिमम, भी अगर हम मान के चले, बिकॉज अच्छे बॉलर हैं, कम से कम एक दो विकेट तो हर मैच में निकालते ही हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 4 से 5 विकेट निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक दो विकेट भी अगर आप मान के चलें, तो पर विकेट यहाँ पर 20 पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि 20 से 40 पॉइंट आप आराम से मिनिमम मान के चल सकते हैं, और यहाँ पर इकोनॉमी के भी 20 पॉइंट मान के चल सकते हैं। तो 60 से 70 पॉइंट आपको वैसे ही एक बॉलर दिला रहा है जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जैसा। तो मेरे हिसाब से आज की टीम में आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स लेने की। तो यहाँ पर देख लेते क्या टीम हम बना सकते हैं आज प्ले स्पॉट की। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको टीम एडिट करके नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर चॉइसेस लिमिटेड हैं और आपको कुछ ना कुछ बड़े प्लेयर्स तो छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा फोकस पूरे बॉलर्स पे है। मैंने यहाँ पर 5 बॉलर्स लिए, आप देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह, मुस्तफिजुर रहमान, मयंक मारकंडे, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, ये सारे ही मैंने बॉलर्स यहाँ से कवर कर लिए अच्छे अच्छे। और इसके अलावा यहाँ से जो बैट्समैन सेक्शन में है, वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन मैंने चूज़ करे हैं, सूर्य कुमार यादव और राशिद खान एक ऑलराउंडर की कैटेगरी में थे, तो मुझे एक और बॉलर यहाँ से मिल गए, सिद्धार्थ कौल भी एक अच्छे बॉलर हैं, शाकिब अल हसन जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और बैटिंग ऑलराउंडर भी आप इनको बोल सकते हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी कर लेते हैं, और शिखर धवन मात्र एकमात्र बैट्समैन जो आप कहेंगे अच्छे खासे बैट्समैन जो फॉर्म में दिख रहे हैं उनको मैंने लिया है, और रिद्धिमान शाह को लिया एज अ बैट्समैन। तो यहाँ पर बैट्समैन मैंने 3 से 4 लिए हैं, आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन, रिद्धिमान शाह, और इसके अलावा सारे ही मेरे बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर ऑलराउंडर हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, सॉरी, राशिद खान, सिद्धार्थ कौल, शाकिब अल हसन, शिखर धवन, रिद्धिमान शाह, जसप्रीत बुमराह, मुस्तफिजुर रहमान, मारकंडे, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर, तो इनमें से बेस्ट कैप्टन की चॉइस मेरे हिसाब से बॉलर्स ही होगी। तो किसी भी बॉलर या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर को आप बनाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, खास करके जैसे कृणाल पंड्या हो गए तो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैटिंग का ज़्यादा महत्व नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई 50 रन से कम मारता है तो उसका महत्व नहीं है, 40 से कम मारता है तो उसका बिल्कुल महत्व नहीं है। तो यहाँ पर 50-60 रन जब तक बैट्समैन नहीं मारेगा वो आपके लिए उस लायक नहीं बन पाएगा, किसी बॉलर को डिफीट नहीं कर पाएगा। और अगर कोई बॉलर यहाँ पर 2 विकेट भी निकाल लेता है तो 2 विकेट के 40 पॉइंट प्लस इकोनॉमी के पॉइंट मिला के उसके 50-60 पॉइंट हो जाते हैं। वहीं एक बैट्समैन को ऐसा करने के लिए कम से कम 35 से 40 रन बनाने पड़ेंगे, तो इतना डिफरेंस है। तो आज के मैच में आपको यही बोलूंगा, आपको अगर स्टार प्लेयर के यहाँ पर दुगने पॉइंट मिलते हैं और कैप्टन के 1.5 टाइम्स पॉइंट मिलते हैं, तो अपना कैप्टन और स्टार प्लेयर वाइजली चुने। स्टार प्लेयर के 2 टाइम्स पॉइंट है और कैप्टन के 1.5 पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार प्लेयर मैंने यहाँ पर भुवनेश्वर को चुना है और कैप्टन मैंने यहाँ पर शाकिब को चुना है, और मैं जसप्रीत बुमराह को भी कर सकता हूँ, मैं जसप्रीत बुमराह को ही करूँगा, बिकॉज यहाँ पर शाकिब अल हसन को विकेट मिलना उतना, मतलब बोलूँगा कि हमेशा नहीं मिल पाएंगे, बुमराह पर ज़्यादा मुझे भरोसा है, तो मैं बॉलर्स में से ही कैप्टन और स्टार प्लेयर और कैप्टन बनाऊंगा। तो आपको भी यही चॉइस दे रहा हूँ, कोई भी अच्छे बॉलर चुन ले दो और उनको ही स्टार प्लेयर और कैप्टन बनाए, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमी के भी पॉइंट मिलेंगे, मेडन ओवर के भी मिलेंगे, इसके अलावा विकेट के सीधे सीधे 20 पॉइंट है। तो गाइज यहाँ पर अब हमारा वीडियो हम खत्म करते हैं, ये मेरी टीम है, मैं इससे खेल रहा हूँ और आपको दिखा दूँ, मैं भी यहाँ पर एक बड़ी लीग खेल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी लीग नहीं, 1000 रुपीज़ की लीग है, और आप भी यही खेलें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत कम लोगों को सिस्टम के बारे में मालूम है जो कि चेंज हो चुका है, बहुत लोगों ने ठीक से उसको स्टडी नहीं करा होगा, भले उनको पता हो बॉलर से यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, बट इकोनॉमी और मेड इन ओवर इन चीज़ों को उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी है तो ऐप में हाउ टू प्ले में जाकर एक बार ज़रूर देख लें, पॉइंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही आप खेलें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो गाइस खत्म करते हैं हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इसको लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा प्ले स्पॉट पर अगर आप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आपको लिंक जरूर मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ बोनस भी मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर खत्म करते हैं हमारा वीडियो, ओके गाइस बाय।